हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 3, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बुक वर्क करने वाले हैं, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। सो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गोल ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल नहीं है, ए टू मेक द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रयोग को अधिक कुशल बनाने के लिए, बी टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर, लोगों को कंप्यूटर के यूज के लिए अनुमति देने के लिए, सी टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड, सिस्टम प्रोग्रामर को कार्यरत रखने के लिए, डी टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज, कंप्यूटर को आसानी से यूज करने के लिए बनाने के लिए। सो आंसर इज टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल ये नहीं होता कि सिस्टम प्रोग्रामर को ये कार्यरत रखे। देन नेक्स्ट आ जाता है, ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव, प्रत्येक कंप्यूटर में होना चाहिए, ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सी अ प्रिंटर अटैच्ड, और डी अ वायरस चेकिंग प्रोग्राम। सो सभी कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर्स में एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। थर्ड है स्टूडेंट्स, एमएस विंडो इज अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर। एमएस विंडो एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग और वर्ड प्रोसेसिंग। आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फोर्थ स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड इज एन, एमएस वर्ड एक है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, सीडी रोम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग और विंडोज 7। आंसर इज विंडोज 7। सिक्स्थ है, अ कंपाइलर इज अ मोबाइल ऐप, एक कंपाइलर एक मोबाइल ऐप होता है, और बी में है ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इन टू द मशीन लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, सी है इज अ पार्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, और डी में है नन ऑफ दीज। सो आंसर इज ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इन टू द मशीन लैंग्वेज, बिकॉज कंपाइलर का काम ही होता है स्टूडेंट्स। सेवेंथ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जुड़े होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज, बिकॉज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सभी जुड़े होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम वर फर्स्ट रिटन, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें पहली बार प्रोग्राम लिखा जाता है, बी इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, अकेली लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है, सी डिफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज होती है वो डिफर होती है, एंड डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। आंसर इज स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोबाइल ऐप स्टोर, इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप स्टोर नहीं है, ए अमेज़न ऐप स्टोर, बी एप्पल आईपैड एयर, सी गूगल प्ले, डी विंडोज स्टोर। आंसर इज एप्पल आईपैड एयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है, ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नाउ स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है, कंट्रोल्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड है, सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है, फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर। जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का कार्य करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन एंड इज डायरेक्टली इंटरप्रेटेड बाय अ कंप्यूटर। लैंग्वेज जीरो और वन की फॉर्म में डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा इंटरप्रेट की जाती है। कौन सी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन। कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू द मशीन लैंग्वेज ऑल इन वन गो। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करती है। क्या करता है कन्वर्ट स्टूडेंट्स? आंसर इज कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू द मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, एन इज यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क। कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। हाउसकीपिंग का कार्य, डाटा बैकअप का कार्य, स्कैनिंग फॉर वायरसेस, वायरसेस को स्कैन करने का कार्य इत्यादि कंप्यूटर में जो कार्य करता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? आंसर इज यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक हाउसकीपिंग, डाटा बैकअप, स्कैनिंग फॉर वायरसेस। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। सॉफ्टवेयर का यूज डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? आंसर इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। नेक्स्ट है, अ इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइस। एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल डिवाइस के लिए पर रन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। आंसर इज मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स इज अ सॉफ्टवेयर। मोबाइल ऐप एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो मोबाइल डिवाइस पर रन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स ऐप दैट अलाउज अस टू डू ऑनलाइन शॉपिंग। पॉपुलर ई कॉमर्स ऐप है जो हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने की अनुमति देते हैं। कौन सी पॉपुलर ई कॉमर्स है? आंसर इज फ्लिपकार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है, अ कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एवरी टास्क। एक कंप्यूटर को प्रत्येक कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। बी है स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मीन टू कंट्रोल एंड एनहेंस द वर्किंग ऑफ यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है कि यूजर के कार्य को नियंत्रित करने और उसे एनहेंस करना। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर के कार्य को एनहेंस भी करता है और नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन बी ऑपरेटेड विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग डायरेक्टली। एक कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ लेता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है, द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ऑल इन वन गो। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है और ऑल इन वन गो हो जाता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। ये काम तो कंपाइलर करता है। नेक्स्ट है, अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू बी कंपाइल्ड अगेन। एक हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, उसे कंपाइल्ड करने की बार बार आवश्यकता नहीं होती है। If its object code is generated once, यदि उसका object code means machine code एक बार generate कर दिया जाए तो उसे बार बार compile करने की आवश्यकता नहीं होती है। Answer is true student. Next है, inventory control, payroll, etc. are example of special purpose software. Inventory control, payroll और इत्यादि जितने भी softwares होते हैं ये special purpose softwares का example हैं. Answer is true student. नेक्स्ट है, अ कंपाइलर वर्क्स फास्टर देन एन इंटरप्रेटर। एक कंपाइलर एक इंटरप्रेटर की तुलना में ज्यादा अच्छा तेजी से काम करता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
डिस्क डीफ्रेगमेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है. आंसर इज ट्रू स्टूडेंट. एंड लास्ट है स्टूडेंट्स, कस्टम सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड फॉर द मासेस. कस्टम सॉफ्टवेयर को जनता के लिए विकसित किया जाता है. आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.